सरकार ने अभी से चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। आज कैबिनेट की बैठक में दिल्ली सरकार ने सभी विभागों से अस्थाई कर्मचारियों की नौकरी पक्की करने के लिए कहा है। 15 नवंबर तक प्रस्ताव भी देने को कहा है। इसके अलावा केजरीवाल ने डीएमसी के इलाकों में भी 20,000 लीटर पानी मुफ्त देने का ऐलान किया है। आज कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले सारे कर्मचारियों को पक्का करने का प्रपोजल हर डिपार्टमेंट 15 नवंबर तक सरकार को बना के भेजे और चीफ सेक्रेटरी इसको मॉनिटर करेंगे। आज ये निर्णय हुआ है कि एनडीएमसी एरिया में भी जिस तारीख से बाकी दिल्ली के लोगों को फ्री पानी मिला था उसी तारीख से एनडीएमसी में भी ये इंप्लीमेंट होगा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, और पुराने बिल उनके रिफंड कर दिए जाएंगे जो जो लिए हैं। उसके लिए जो भी सब्सिडी है वो दिल्ली सरकार एनडीएमसी को रिफंड।